सारा प्रणाम, मैं हूं भूपेश कोहली। बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। हाथरस की निर्भया के साथ हुई दरिंदगी को लेकर राजनीति पूरे उफान पर है। बुरी तरह हताश पड़ी विपक्ष को योगी सरकार पर हमलावर होने का एक संवेदनशील मुद्दा मिल चुका है। हाथरस कूच कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। राहुल गांधी और प्रियंका को पहले ग्रेटर नोएडा में रोका गया, इसके बाद ये नेता पैदल हाथरस की ओर निकल पड़े और इस बीच राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की भी हुई और वो गिर गए। राहुल गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज का ये आलम है कि शोक में डूबे एक परिवार से मिलना भी सरकार को डरा रहा है। दूसरी तरफ बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने केंद्र से उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की गुहार लगाई। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर जानकारी दी कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाथरस की घटना की जानकारी ली और कहा कि दोषियों के विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। हाथरस में युवती के साथ दरिंदगी और उसके बाद देर रात किए गए अंतिम संस्कार को लेकर देश भर में लोग बौखलाए हुए हैं, गुस्से में हैं। घटना को लेकर परिवार वालों और पुलिस प्रशासन के अलग अलग बयान कई सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं पीड़िता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। रिपोर्ट में गैंगरेप की पुष्टि नहीं हुई है, बल्कि पीड़िता की मौत की वजह गले की हड्डी का टूटना बताया गया है। लेकिन ये बात भी गौर करने लायक है कि युवती ने दम तोड़ने से पहले पुलिस को गैंगरेप किए जाने की पुष्टि की थी। अब फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। हिरासत में लिए जाने से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ दरिंदगी कम होने का नाम नहीं ले रही। हर दिन राज्य में 11 महिलाएं रेप का शिकार होती हैं। प्रियंका के हाथरस कूच पर उत्तर प्रदेश के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल और प्रियंका को हाथरस याद आ रहा है, लेकिन राजस्थान के बारा में रेप पर वो चुप रहे। उन्होंने कहा कि विपक्ष घटना पर राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करे। घटना की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है और बलरामपुर में हुई दरिंदगी के दोनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है और 2016 की तुलना में 2020 में रेप की घटनाओं में 38.5% की कमी आई है। देखिए, महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ेगी, सरकार को लेनी पड़ेगी, योगी जी को लेनी पड़ेगी। जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं प्रदेश में, वे बिल्कुल बंद करवाने चाहिए और उनके जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये स्थिति पिछले साल में बदली नहीं है। आपको याद होगा पिछले साल तकरीबन इसी समय हम उन्नाव की बेटी की लड़ाई लड़ रहे थे और आज ये स्थिति है कि आज हर रोज उत्तर प्रदेश में 11 रेप के केस दर्ज होते हैं। राहुल गांधी जी और उनकी बहन राजनीतिक रोटियां सेकने के अलावा कुछ नहीं करना चाहते। उत्तर प्रदेश में मरहम परिवार को नहीं लगाना चाहते। वो देखते हैं कि उनके जितने घाव हैं, राजनीतिक घाव हैं, उस पे वो किस प्रकार से राजनीतिक रोटी सेक कर वो अपने ऊपर मरहम लगा दें और जीवित बन जाएं। मगर देश की जनता भी देख रही है, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। आज राजस्थान के अंदर मैं तुलना नहीं करना चाहता, क्योंकि ये अपराध है, जघन अपराध है, कहीं भी हो, भारत में कहीं भी हो, मगर राजस्थान में उनको नहीं जाने का शौक पड़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ राजनीतिक रोटियाँ नहीं सेकेंगे। आप वहाँ जाइए, आपकी सरकार है, क्या हो रहा है वहाँ पर, उसका जवाब देंगे कि नहीं देंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी, या शांत बैठे रहेंगे? हाथरस की बेटी के साथ दरिंदगी से समाज बेहद खफा है, गमजदा है और आरोपियों को जल्द से जल्द सजा देने की मांग की जा रही है। उत्तर प्रदेश में मुरझाई हुई विपक्ष की राजनीति भी चमक उठी है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गुलरेज शेख, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, सुची विश्वास, कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगी, वंदना सिंह, समाजवादी पार्टी नेता हमारे साथ मौजूद हैं, और अंबर जैदी, सामाजिक कार्यकर्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। गुलरेज भाई, सबसे पहले आपके पास आऊँगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उनका कहना है कि अकेला जा रहा था, इस पर 144 कैसे लग सकती है, क्यों गिरफ्तार किया गया, और अगर एक आदमी के जाने से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इतना डर रहे हैं तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जवाब चाहेंगे। देखिए, फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए राहुल बाबा जा रहे थे, उन्होंने जाने से पहले जो परमिशन होनी चाहिए थी वह भी नहीं ली थी, साथ ही
हाथरस का जो प्रशासन था वह नहीं चाहता था कि किसी प्रकार की वहां समस्या आए। दूसरी चीज आपको ये भी मालूम होगा कि हाथरस में अभी कंटेनमेंट जोन कोरोना के कारण घोषित किया हुआ है, और आप ये देखिए ना कि ड्रामा कर रहे हैं, फोटो अपॉर्चुनिटी कर रहे हैं, और वो भी इस विपदा के अंदर अवसर ढूंढ रहे हैं राजनीति करने का, गंदी भद्दी राजनीति करने का। एक्सप्रेस हाईवे पर आप भी कई बार आते जाते होंगे, वहां पर मोटरसाइकिल और साइकिल चलाने की अनुमति नहीं है, ये पैदल कैसे जा सकते हैं? तो ये वो ड्रामा नहीं था तो और क्या था? तो राहुल गांधी और प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा केवल और केवल उस बच्ची के जो जख्म है उसके ऊपर अपने अंगारे रखकर राजनीति की रोटियां सेक रहे, जो कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। देखिए एक बात बोलूं, एक समाज के तौर पर हम बात करें तो चाहे फिर कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, हम हो, या फिर मीडिया हो या पुलिस हो, नहीं, आपका कहने का मतलब ये है कि वहां पर एक बच्ची की मौत होती है और उस बच्ची को रात को 2:30-3 बजे जला दिया जाता है, और अगर विपक्ष आवाज उठा रहा है तो आप उसको फोटो अपॉर्चुनिटी कहते हैं? नहीं, आप ये देखिए कि राहुल बाबा तो केवल प्योर राजनीति करते हैं। इतने दिनों से ये चाइना के ऊपर बात कर रहे थे, कोरोना पर कर रहे थे, फिर किसानों पर बात कर रहे थे, लेकिन बैठे कहां थे जब संसद चल रही थी? जब उस समय बैठे हुए थे वो अमेरिका में, उनकी मदर भी वहीं पर थी, तो ये तो दिखता है साफ साफ। प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा इतने दिनों से ट्विटर खेल रही थी, अभी इनको लगा कि कहीं ना कहीं राजनीति चमका सकते हैं। तो किसी के भी जख्मों पर और ऐसे विषय पर जो कि इतना ज्यादा संवेदनशील हो, हमको करुणा दिखानी चाहिए, संवेदनशीलता। चलिए आऊंगा आपके पास गुरेश भाई। सुचि विश्वास हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस जुड़ गई हैं। सुचि, यहां पर भारतीय जनता पार्टी से सवाल हम कर रहे थे कि आखिर किस आधार पर राहुल गांधी को बंदी बनाया जा रहा है, किस आधार पर उनको हिरासत में लिया जा रहा है। इनका कहना है कि वो फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए जा रहे थे, परिवार से उनका कोई मतलब नहीं है, अगर जाना है तो राजस्थान भी जा सकते हैं जहां पर रेप हुए, लेकिन वहां पर उनकी सरकार है, वहां पर वो नहीं जाएंगे, उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, सिर्फ फोटो अपॉर्चुनिटी है, परिवार से कोई लेना देना नहीं है। योगी सरकार ने बेहतरीन तरीके से चारों पांचों आरोपियों को जो भी थे उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। देखिए पहली चीज तो ये, मैंने मर्यादा के चलते डिस्टर्ब नहीं किया, फौरन माफी मांगे, इनको तमीज होनी चाहिए कि किसी विक्टिम के बारे में बात कर रहे हैं और अपॉर्चुनिटी और ड्रामा जैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। आधी रात को चुपचाप फूंक दिया आपने, पेट्रोल डाल के, तब आपको ड्रामा नहीं समझ में आया था? आपको इतनी अकल नहीं है, आपकी सरकार है और आप एक गंभीर और संवेदनशील विषय पर बात कर रहे हैं। ऑलरेडी 3 महिलाएं मौजूद है, मजदूरों से मिले तो वो ड्रामा है, देश की बात करें तो ड्रामा है, संवेदनशीलता समझते हैं आप लोग? आप लोग बे औलाद है, आप लोगों को तमीज तो है नहीं। एक ऐसा विषय एनसीआरबी के आंकड़ों में टॉप पर है उत्तर प्रदेश, हाथरस के बाद गलत बात बोल रहे हैं। एनसीआरबी का डाटा खोल के देखते हैं, एक हो या 10 हो या 50 हो, वो जघन्य अपराध थे, उसके ऊपर विमर्श नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप डाटा की बात कर रहे हैं तो मैडम मैं आपसे रिक्वेस्ट बोलूंगा कि डाटा में तो कम हुआ है, लेकिन हम उसको सेटिस्फाइड नहीं है। और इतना गैर जिम्मेदार बयान है आपका, यू मस्ट अपोलोजाइज, यू आर टॉकिंग अबाउट अ गर्ल, यू टॉकिंग अबाउट अ 19-year-old गर्ल, वो दलित लड़की हिंदुस्तान की बेटी नहीं है, और आप बता रहे हैं कि चलने का अधिकार नहीं, यू आर टेलिंग द लॉ। किस बातें कर रहे हैं? मेरे बात किसके पे? राहुल गांधी पे बात कर रहा हूँ, पार्टा पे बात कर रहा हूँ, उस बच्ची पे ले जा रहे हैं, उसको बोलते हैं राजनीति करना? देखो आपको समझ में आ रहा है कि क्यों नहीं जाने दिया गया, क्यों हाथरस का प्रशासन इन लोगों को नहीं चाहता? आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि कैसी ये लाश के ऊपर राजनीति करते हैं। मैंने बात की राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा पर, उसको जोड़ के ले आई है उस बच्ची के ऊपर, ये इसलिए इस प्रकार की राजनीति करते हैं ना, जो इसलिए ही शायद प्रशासन नहीं चले जा रहा इसको राजनीति वो जो आप कर रहे हैं, इसे संवेदन क्या राजनीति कर रहे हैं? एसआईटी का गठन कर रहे हैं, मुजरिमों को पकड़ रहे हैं, जो सहायता कर सकते हैं वे कर रहे हैं, और आप बात कर रहे हैं राजनीति कर रहे हैं? राजनीति तो आप कर रहे हो, राजनीति का धंधा कर रहे हो आप, कि कहीं पर मैयत हुई है, कहीं पर रेप हुआ है, और आप फोटो आप करवा रहे हैं। अगर आपको ये राजनीति लग रही है तो आप जनता के लायक नहीं है, आप ह्यूमन बीइंग नहीं है यार। चलिए वंदना सिंह, समाजवादी पार्टी नेता हमारे साथ मौजूद हैं। वंदना जी, हाथरस पीड़िता के परिजनों से मिलने जा रहे थे राहुल गांधी, ट्वीट भी किया है, आपकी पार्टी ने भी इसकी भर्त्सना की है, लेकिन अगर राहुल गांधी के ट्वीट की बात करें तो उन्होंने कहा है कि इतना मत डरिए मुख्यमंत्री योगी जी, क्यों डरते हैं? आपकी पार्टी किस तरीके से खंडन करती है और इस पूरे प्रकरण पर आपका रिएक्शन? देखिए ये जो हुआ है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए, मेरे पास शब्द नहीं है इसके लिए, कुछ कहने के लिए। ये मेरी बेटी हो सकती थी, जो यहाँ बैठे उनमें से किसी की बेटी हो सकती थी।
इस विषय का राजनीतिकरण अगर हम ना करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, बजाय कि हम एक दूसरे पे उंगलियां उठाएं, इसका हमें हल ढूंढना चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इतने कानून बने हुए हैं हमारे यहाँ, निर्भया के बाद इतने सादे सख्त कानून बने, लेकिन लोगों को भय नहीं है, इसकी वजह क्या है? तो बजाय कि हम इसका संशोधन करें, यहाँ बैठ के एक दूसरे पे उंगलियां उठाएं, उसका राजनीतिकरण करें, मैं सोचती हूँ बहुत ही छोटी सोच होगी हम सबकी यहाँ बैठ के, चाहे वे मीडिया हो, चाहे ये जितने भी हम लोग बैठे हुए हैं पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता हैं। रहा सवाल राहुल गांधी के जाने का, मेरे ख्याल से देखें ये तो ऑपोजिशन का काम है, इनका सिम्बॉलिक प्रोटेस्ट था, इस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि ये सबका फर्ज है उस परिवार के साथ खड़े होने का उनके दुख में। और रहा सवाल कि अब हम पुलिस की बात करें कि उन्होंने अगर धारा 144 लगा रखी है, प्रशासन का ये अपना निर्णय है, तो उस पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ कि क्यों किया, कैसे किया, भाई कंट्रोल तो उन्होंने करना है, लेकिन इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। इसका हमें हल ढूंढना पड़ेगा, और इसका जो है हमें कई सवाल इस पे उठते हैं, हमारी शिक्षा प्रणाली पे उठते हैं, हमारे संस्कार पे उठते हैं, हमारे पालन पोषण पे सवाल उठते हैं, हम उसका देखें ना, लॉ एंड ऑर्डर पे उठ रहा है सिचुएशन, हमारी जुडिशरी पे उठ रहा है कि जब इतने कानून बने हैं फिर क्यों लोग इतने निर्भीक होकर ऐसे कर रहे हैं, इस पे हमें बहस करनी चाहिए, बजाय कि हम एक दूसरे को बैठ के गाली दें। जी, समाज में परिवर्तन नहीं आ रहा है, तमाम बार ऐसी घटनाएं होती हैं, आधे घंटे एक घंटे उस पर बहस होती है, बावजूद नतीजा कुछ नहीं निकल पाता है, कड़े कानून सरकार की तरफ से भी बनाए जा रहे हैं, बावजूद मानसिकता बदली नहीं जा रही है। अंबर जैदी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अंबर जी, भारतीय जनता पार्टी का कहना है जो हुआ है उस पर सख्त एक्शन हुआ है, आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, सख्त धाराएँ लगाई गई हैं, लेकिन यहाँ पर राजनीति भी हो रही है, दिखा जा रहा है पक्ष विपक्ष राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो वहां इस समाज में क्या संदेश जाता है ऐसी घटनाओं से? देखिए, जमीनी हकीकत तो ये है कि हम सब जानते हैं कि लगातार इस तरीके की घटनाएं एक के बाद एक समाज हमारे सामने आती हैं, और जैसा कि आपने भी कहा और मैं भी हमेशा ये कहती हूं कि हमने एक इसको एक रिचुअल की तरह मना लिया कि हम अपनी निंदा कड़ी निंदा करेंगे, सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाल देंगे और कुछ लोग मोमबत्तियां जला देंगे, सो इसी तक सीमित रह गया है। हमने जमीन पर बदलाव लाने के लिए कोई भी वो सख्त कदम नहीं दिखाई देते हैं। बहुत सारे नियम कानून की हम बात करें, ऑलरेडी बहुत सारे बदलाव भी हुए, निर्भया के बाद बहुत सारे नियम कानून बदले, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स भी गए, लेकिन वो काफी नहीं है क्योंकि हमारे देश की जो न्यायिक प्रणाली है वो इतनी स्लो है, नंबर ऑफ जो पेंडेंसी है केसेस की वो बहुत ज्यादा है, जजेस की कमी है, साथ ही साथ हम देखें तो कानून में बहुत सारे ऐसे लूप होल्स है कि रेप अगर प्रूव हो जाए उसके बाद भी अक्यूज को बेल मिल जाती है, और ऐसी बहुत सारी चीजें जिसकी वजह से कानून का भय नहीं होता। कानून का जो पालन करवाते हैं पुलिस की अगर हम बात करें अगर इनिशियल लेवल से, तो कहीं ना कहीं पुलिस की खामी नजर आती है पूरे ऐसे कामों में, ऐसे कांडों में। तो और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से राजनीति हो रही है यूपी में, तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण नहीं हो सकता। बेटी के न्याय के नाम पर जो सब अपने लिए जो राजनीतिक पार्टियां हैं वोट बटोरने में लगे हुए हैं, अपनी वोट बैंक को संभालने में लगे हुए हैं, उससे ज्यादा दुख की बात नहीं। मैं खुद एक लड़की हूं और मैं गुलरेज भाई, हाथरस, बलरामपुर, आजमगढ़, अंतहीन सिलसिला चल रहा है, लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। अंबर, आऊंगा मैं आपके पास, संवेदनहीन मसले पर राजनीति हो रही है और विपक्ष का ये कहना है कि प्रदेश अब संभल नहीं रहा है। मायावती की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, तमाम ने योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया और ये कहा है कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए और योगी जी मंदिर मठ संभालें, प्रदेश नहीं संभल रहा। देखिए, ये पूरी जो बात है ना, ये 100% पॉलिटिकल बात है। अभी कुछ हद तक जो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता बोल रही थी वे कम से कम एक ट्रू सेंस में बात कर रही थी, कुछ तो कंसर्न दिखा रही थी। कांग्रेस ने जिस प्रकार का राग अलापा वो तो पूरी तरह से निंदनीय राजनीति थी। लेकिन आप थोड़ा सा इस चीज को समझिए, दुनिया का कोई भी देश हो, कोई भी प्रांत हो, इन अपराधों से पूर्णतः मुक्त नहीं होता है, लेकिन करना पड़ता है। वो करते कैसे हैं? दो तरीके होते हैं, एक तो कानून का इकबाल, जो जिसकी वजह से बलात्कार के आंकड़ों में कमी आई है। खैर, मुझे बोलने में शर्म आती है ये बात कि आंकड़े कम हुए हैं, ये पहले इतना था अब इतना है, नहीं होना चाहिए, एक भी नहीं होना चाहिए, लेकिन आंकड़ों में कमी आई है कानून के इकबाल की वजह से। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश की पुलिस कितनी कठोर सजा देती है, कठोर। गुलरेज भाई, रात को 2:30-3 बजे अंतिम संस्कार की नौबत क्यों आ गई? सुबह 6 बजे कर देते, 8 बजे कर देते, सूर्य उदय के बाद कर देते, जो की रीत है हिंदू धर्म की।
देखिए अब उसका क्या कारण था वो LIU जानती होगी या जिला एडमिनिस्ट्रेशन जानता होगा। हो सकता है कि जैसा आज नाटक हो रहे हैं नोएडा रोड के ऊपर वैसे ही उससे ज्यादा नाटक होते, ऐसी LIU की इंफॉर्मेशन होगी इस उस एतबार से शायद है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो किया होगा वो किया होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन आपने अभी देखा ना कि जैसे सुश्री विश्वास जी कांग्रेस की प्रवक्ता महोदया जिस तरह से जिस टोन में बोलना शुरू की तो आपको दिखेगा कि किस प्रकार से राजनीति होती है ऐसे विषयों के ऊपर भी, वो तब जाकर प्रशासन कुछ ना कुछ सख्ती करता है ताकि ऐसे गंभीर विषयों को राजनीति की भेंट नहीं चढ़ाया जाए। तो हो सकता है वो भी एक कारण होगा सर। राजनीति की भेंट चढ़ा देते आप लोग सूची जी, अगर आप आपको थोड़ा वक्त मिल जाता, राहुल गांधी को वहां जाने का मौका मिल जाता, परिवार से मौका मिल जाता मिलने का, सांत्वना देने का, तो आप राजनीति की भेंट चढ़ा देते इस पूरे मसले को, और वहां पर दंगा फसाद हो सकता था, बवाल हो सकता था, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं था, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए इस मसले को उनको रोका गया, ये बीजेपी का तर्क है। जवाब चाहेंगे आपका। वंदना सिंह यही सवाल आपसे जी, मुझे आपका सवाल नहीं सुनाई पड़ा, बीच में कट गया था जी, प्लीज। मेरा सवाल ये था कि जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि सिर्फ राजनीति की भेंट चढ़ जाता अगर राहुल गांधी वहां पहुंच जाते, अगर दिन में अंतिम संस्कार करते, वहां पर लोग इकट्ठा हो जाते, राजनीतिक रोटियां सेकनी पड़ जाती वहां पर, इसलिए जो भी प्रशासन ने ठीक समझा उसको किया, राज्य के हित के लिए, प्रदेश के हित के लिए जी। देखिए महिला होने के नाते मैं पहली चीज तो ये कहूंगी, हम लोग इस स्टेज पे आके नहीं बक्से जाते हैं। अब आप सोचिए हम लोग किस स्टेज पे हैं लाइफ के, हम लोग भी टारगेट होते हैं। तो वो तो खैर गांव में रहने वाले, छोटे शहरों में रहने वाली बच्चियां हैं, 19 साल, 8 साल, 9 साल। इसीलिए मैंने पहले आपसे कहा कि हमारी शिक्षा में कमी है बहुत ज़्यादा। अभी मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे दूँ, मैं गई थी फतेहपुर 2-3 दिन पहले, किसी कार्यवश किसी की जमीन पे कोई कब्जा था, मैं वहां पे जाके खड़ी हो गई। कल कानपुर से 4-5 गुंडे आते हैं वहां पे और कहते हैं कि देख लेंगे उनको, दिल्ली से उठवा लेंगे। अब आप ये बताइए इस तरह की शब्दावली इस्तेमाल करना, तो इनके तो हौसले बढ़े हुए हैं। दूसरी चीज अब आप ये देखें कि अब जब ऐसी कोई घटना होती हम उसको धर्म या फिर उसको किसी जाति का चोगा क्यों पहना देते हैं। बच्ची बच्ची है, चाहे वो जिसकी बच्ची हो, चाहे जिस धर्म की हो या किसी भी जाति की हो, हमें ये देखना चाहिए कि इसको कैसे रोकें हम। ये नासूर बन गया है हमारे समाज का, हम महिलाएं टारगेट होती चली जा रही हैं यहाँ पे, हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। जब हम कानून भी बना रहे हैं, इनकाउंटर्स हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा, उसके बाद भी अगर भय नहीं है इनमें इस तरह की हरकतें करने में, तो वजह क्या है। एक सोशियोलॉजिक विषय भी है, हमारी क्रिमिनल जस्टिस पे सवाल उठ रहा है, ये क्यों हो रहा है। हमको आपको भी सोचना चाहिए, हमको हमारी सबकी इसमें भागीदारी है, सिर्फ पुलिस की भागीदारी नहीं है, पुलिस की है जिम्मेदारी, उनकी है, लॉ एंड ऑर्डर उनका विषय है। लेकिन घर पे पहली शिक्षा हम देते हैं अपने बच्चों को, उसके बाद स्कूल देती है, उस पर पहले आप देखिए, उस पर उस विषय पे भी हमें विचार करना चाहिए। बहुत आसान है, हम एक दूसरे के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, मैं बार बार कह रही हूं। इस तरह की जब घटनाएं होती हैं हम बैठ के टीवी के सामने उस पर हम चर्चा करते हैं, डिबेट करते हैं, एक दूसरे के ऊपर लांछन उठाते हैं और उसके बाद हम अपने अपने घर चले जाते हैं। सुची जी, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि सख्त एक्शन हो रहा है, तमाम सख्त धाराएं लगाई गई हैं, जिन लोगों ने अपराध किया था उनको पकड़कर, राज्य सरकार का काम है, पुलिस का काम है, उन लोगों को पकड़कर, जल्द से जल्द पकड़कर उनके खिलाफ सख्त धाराएं लगाकर उनको कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया है। कांग्रेस के नेता रेप पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे, संवेदनशील मसले पर राजनीति होती, इसीलिए जो प्रशासन को ठीक लगा वो किया जा रहा है, जिसकी हिरासत लेनी पड़ रही है, जिसको गिरफ्तार करना पड़ रहा है, अगर रात को 3 बजे भी अगर किसी का अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है तो उसके पीछे भी कोई वजह होगी और लॉजिकल वजह होगी, बीजेपी का ये तर्क। जवाब बीजेपी बार बार जो कह रही है मैं सुन रही हूँ, अभी प्रवक्ता महोदय ने भी कहा, तो चिन्मयानंद ने जब किया तो आपने फौजदारी का मुकदमा उल्टा रेप इस पे लगाया, SIT ने जांच करी तो उसके हॉस्टल से साक्ष्य मिटा दिए, बाकी कांड उन्नाव की बात करें तो कुलदीप सेंगर को आपने संरक्षण दिया, पीड़िता की पिता की मौत पुलिस की कस्टडी में हो गई, वो निकलती है अपनी पेशी के लिए तो उसका ऊपर ट्रक चढ़ा दिया जाता है। MJ अकबर साहब पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन किया मीटू कैंपेन में, विदेश मंत्रालय में उनकी जिम्मेदारियों में कोई कमी नहीं आई, नैतिक दायित्व पर उनसे एक शब्द पूछा नहीं गया, तो सरकार क्या एग्जाम्पल सेट कर रही है।
प्रधानमंत्री हो या मंत्री, अगर महिलाओं की जासूसी कोई करता है तो ये निर्लज्ज काम है और ये निर्लज्ज सरकार है। अंबर जदी हमारे साथ मौजूद है। अंबर, किस तरीके से देखा जाए, प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी लिखा है कि अपनी बेटी की चिता को अग्नि देना एक पिता का अधिकार है, और उस जिस लड़की की जान चली गई है वो भी कम से कम इतना डिजर्व करती थी कि उसके घर वाले उसको आकर अग्नि दे दें, उसका अंतिम संस्कार अच्छे तरीके से हो जाए, रात में जला दिया गया। समाज में इस बात का क्या संदेश गया, और इसमें देखा गया है कि देश में प्रदेश में गुस्सा है लोगों में? देखिए, कहीं ना कहीं संदेश ये जाता है कि प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी का भी एक ट्वीट आया था अभी थोड़ी देर पहले कि अपनों को बुरे वक्त में अकेला नहीं छोड़ा जाता, तो वो अकेला बलरामपुर वाले विक्टिम्स को क्यों छोड़ रहे हैं? तो इस तरीके की जो आप दोहरी राजनीति कर रहे हैं, दोहरे मापदंड आपने दिखा रहे हैं, आपको साफ नजर आ रहा है, जनता को साफ समझ में आ रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए जो न्याय की बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए कर रहे हैं। इसी तरीके की घटनाएं अगर राजस्थान के अलवर में होती है तो ना तो प्रियंका गांधी जी की तरफ से कोई ट्वीट आता है, ना ही उनका ये आंसू निकलते हैं किसी बेटी के लिए। तो क्या बेटियां सिर्फ यूपी में ही है या राजस्थान में बेटियां नहीं है? अगर हम बात करें तो सारी बेटियों की बात होनी चाहिए, और किसी की जाति और धर्म पे बात क्यों होती है? जब आपकी ये थ्योरी आती है कि आतंकवाद का कोई धर्म और जात नहीं होती, और फिर इस तरीके की अगर कोई घटना होती है तो आप विक्टिम की जाति और उसका नाम और पंथ सब कुछ निकाल के दे देते हैं, तो ये आपकी थ्योरी आप खुद ही फेल कर देते हैं। तो आप अपने दोहरे मापदंड लेकर जनता के लिए इंसाफ का नाटक करते नजर आते हैं, तो आप जनता को बेवकूफ बनाना छोड़ दीजिए। आप अपने वोट बैंक के लिए महिलाओं कि सम्मान पे भी राजनीति करना शुरू कर दिया। आप इतनी संवेदनहीनता आप में आ रही है, लगातार राजनीति का स्तर इतना गिरता जा रहा है, शर्म आती है मुझे ऐसी कि इस देश में इस तरीके की घटिया राजनीति होनी शुरू हो गई है। कम से कम आप बेटियों के सम्मान को तो छोड़ दीजिए कि आप कहां पे राजनीति कर रहे हैं। राजनीति कीजिए क्योंकि आपका काम है, आप राजनीतिक पार्टियां, लेकिन कम से कम महिलाओं के सम्मान के साथ राजनीति ना कीजिए, क्योंकि विपक्ष को आवाज उठानी चाहिए थी कि नहीं उठानी चाहिए। सम्मान पे बात आती है, विपक्ष को आवाज उठानी चाहिए थी कि नहीं उठानी चाहिए थी? मेरा सवाल आपसे। और देखिए, विपक्ष का काम है कि आप सवाल उठाएं, लेकिन आप दोहरे मापदंड लेके क्यों बैठे हैं? आप सारी महिलाओं की बात कीजिए ना, अलवर की भी बात करें, आप यूपी की बात करें, बलरामपुर की भी बात हो। बलरामपुर की बात नहीं की राहुल गांधी जी ने, उन्होंने ट्वीट किया कि अपनों को सिर्फ हाथरस की घटना के लिए कि उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे। बलरामपुर में भी जाइए क्योंकि बलरामपुर का जो अपराधी है वो मुस्लिम है, वो किसी धर्म विशेष। गुलरेज भाई, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं नेताओं का ये कहना है कि आप उन पर लाठियां बरसा रहे हैं, अगर यही लाठियां इन बच्चियों की सुरक्षा के लिए पुलिस उठा ले तो ऐसी नौबतें ही ना आए। देखिए, मैं कहीं किसी को डिफेंड नहीं करूंगा क्योंकि एक बलात्कार हुआ है और एक डेथ हुई है। जब तक एसआईटी की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट नहीं आएगी मैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, जिसने भी गलती की है पुलिस प्रशासन में उनको भी नापा जाएगा, ये निश्चित है। और इसीलिए एसआईटी का गठन किया है जो कि 7 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। अब जहां तक बात कर रहे हैं कि ये लाठी उधर किया जाए, इधर किया जाए, जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर बरसाई है, गुंडों पर बरसाए, देखिए आपको हर तरह की सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेन करनी है। अभी ये लोग लॉ एंड ऑर्डर खराब करने जा रहे थे तो इनको रोकना भी आवश्यक था। आप क्या चाहते थे कि वहां पर हादसा होता, कुछ समस्याएं आती, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बन जाती, तो वो भी पुलिस का काम है। बच्चियों को प्रोटेक्शन देना भी पुलिस का काम है। और अभी एसआईटी की जो रिपोर्ट आएगी उसमें मालूम पड़ जाएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी हमारी कांग्रेस की बहन बहुत कुछ बातें बोल रही थी, बहुत से कन्विक्स का नाम ले रही थी, तो मैं इनको कहना चाहता हूं कि हर शासन प्रशासन में, हर पार्टी में ये सब हुआ है। लेकिन अच्छाई यह होती कि ऐसे लोगों को डिस्कार्ड कर दिया जाए जैसे भारतीय जनता पार्टी करती है। अगर हमारे में कोई ऐसा अपराधी होता है तो हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, कानून के हाथ से दे देते हैं। आप याद कीजिए, तंदूर कांड में शर्मा जी जो थे, आपके में जी नहीं बोलना चाहिए लेकिन चूंकि आपके नेता थे, वे एनएसयूआई के बड़े नेता दिल्ली के थे, उन्होंने ही अपनी बीवी को जलाया था तंदूर में डालकर। बहुत पीछे की बात हो गई है, मैं अभी अभी की बात कर रहा हूँ, लोग भूल गए होंगे। 2011 में भौरी देवी कांड हुआ था राजस्थान में, जिसमें कांग्रेस के विधायक थे महिपाल सिंह मदेरणा, क्या क्या नहीं हुआ था सब भूल गए। तो इसलिए ये इस तरह से एक दूसरे के ऊपर कीचड़ फेंकने का मत करें, आप एक समाज की तरह बात करें और समाज को सुधारने के लिए बात करें। इस प्रकार की भद्दी राजनीति करके आप ना महिलाओं को सुरक्षित कर पाएंगे, ना बच्चियों की अस्मतें बचा पाएंगे, ना समाज को अच्छा कर पाएंगे। सुची जी, आपकी कॉलर हमारी कॉलर से सफेद, भारतीय जनता पार्टी इस स्लोगन को बता रही है
कि अगर आप हमारी पार्टी के नेताओं के नाम ले रहे हैं तो आपकी पार्टी के अंदर भी इस तरीके के नेता मौजूद हैं कि वो पर्सनल अटैक वो भी कर सकते हैं लेकिन वो नहीं करना चाहते हैं। बड़ा संवेदनशील मामला है, भारतीय जनता पार्टी इसको बड़ा संवेदनशील तरीके से ले रही है और उनका ये कहना है कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल ठीक है, जहाँ पर कोई गड़बड़ होती है पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और आरोपियों को 48 घंटे के अंदर अंदर पकड़कर पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुँचा दिया। हम वो नाम ले खुल के ले, अगर कोई प्रधानमंत्री रहा है तो ले, अगर कोई गृह मंत्री रहा है तो ले, मुख्यमंत्री रहा है तो ले, लेकिन उनका संरक्षण, उन्होंने कुलदीप सेंगर को निष्कासित प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित नहीं किया, उनका संरक्षण चाहे आसा राम हो या राम कैरेक्टर है ना वो राज्यसभा टीवी म्यूट करके शुरू होता है, आरटीआई का जवाब ना देने से शुरू होता है, सोशल एक्टिविस्ट को जेल में डालने से शुरू होता है, विपक्ष को रोंदने से शुरू होता है, 144 लगाने से शुरू होता है। मैं तथ्यात्मक बातें कर रहा हूँ केवल, मुझे इंटरेस्ट करने में कोई मजा नहीं आता कांग्रेसियों को, क्योंकि कांग्रेस इससे तो बात करते नहीं है, केवल गंदी राजनीति चलती है दिमाग में, थोड़ा दिल से भी बात कर ले, दिल से भी ऐसे मसलों में कम से कम राजनीति मत करें और जनता भी माफ नहीं करती जो लोग राजनीति करते हैं, ऐसा संवेदनशील। चलिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर फिर शुरू हो गया, हमारे पास वक्त की कमी है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अगर कोई इंसिडेंट हुआ है, कोई बर्बरता हुई है तो उसके खिलाफ जितने भी आरोपी थे उनको जल्द से जल्द पकड़कर कोर्ट में पेश करके उनको जेल में बंद कर दिया गया है, जहां पर भी ऐसी घटना होगी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। कांग्रेस का कहना है कि अगर किसी परिवार में ऐसा मातम है और अगर हमारे वहाँ नेता जा रहे हैं तो क्या आफत आ रही थी अगर परिवार के लोगों से हमारे नेता मिल लेंगे, एक आदमी पर धारा 144 लागू नहीं हो सकती। समाज को चेतना होगा, समाज को देखना होगा, समाज को जागना होगा। यहाँ पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी समाज की बनती है, पुलिस और सरकार की जिम्मेदारी बाद की आती है। फिलहाल बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। गुलरेज शेख भाई बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ बने, सुची विश्वास जी आपका बहुत शुक्रिया, वंदना सिंह आपका बहुत शुक्रिया, अंबर आप हमारे साथ जुड़ी बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में अभी फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप चलते रहिए सारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। इजाजत सारा।